उत्तराखंड का मौसम विदेशी सैलानियों के साथ साथ विदेशी पक्षियों को भी भाता है। इन दिनों तराई पश्चिम डिवीजन रामनगर की रेंज पतरामपुर के तुमड़िया डैम में प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हर साल साइबेरिया से तुमड़िया डैम पहुँचते हैं। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर हरिद्वार में युवा कांग्रेस ने ब्रजभूषण का पुतला दहन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूधसाओं की चपेट में है। लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले इस एकमात्र मार्ग के कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर तक दरारें आई हैं। फिलहाल सरकार मार्ग के ट्रीटमेंट की बात कर रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को सुचारू रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। उत्तरकाशी के तिलोत गांव में रहने वाले दो भाई नरू और बिजू की वीरता की गाथा काफी प्रचलित है। इन दोनों भाइयों ने गोरखाओं को नाको चने चबा दिया था। इसे लेकर बड़ाहट कुथोला में संवेदना समूह ने नाटक का मंचन किया, जिसे देख लोग अभिभूत हो गए। पौड़ी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डूंगरी के दो बच्चों ने भी अपने साहस का परिचय देते हुए जंगल की आग को स्कूल तक नहीं आने दिया। अब उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गुलदार से टक्कर लेने वाले रुद्रप्रयाग के नितिन भी वीरता पुरस्कार पाएंगे। सब्जी में टमाटर पड़ जाए तो सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। अगर टमाटर पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो तो उसका स्वाद भी अलग होता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऑर्गेनिक टमाटर उगाए जाते हैं। इन दिनों टमाटर की बंपर फसल हुई है। किसान भी फसलों को लेकर आ रही डिमांड से खुश हैं। लक्सर में एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शराब पीकर दोनों दोस्तों में मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पास रखी कुल्हाड़ी से एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शक्ति विहार में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्र इम्फाल का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 540 ग्राम गांजा तस्करी करने के लिए इम्फाल से देहरादून लाया था। उत्तराखंड में अब लोगों को बिजली से संबंधी अपनी शिकायतों को लेकर ऊर्जा निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए UPCL एक ऐसा ड्राइव शुरू करने जा रहा है, जिसमें अधिकारी ही आपके पास पहुंचेंगे और उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। उधम सिंह नगर में तांत्रिक ने इलाज के बहाने महिला के साथ किया दुष्कर्म, जिसके बाद तांत्रिक मौके से फरार हो गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल छानबीन के बाद आरोपी तांत्रिक को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अल्मोड़ा के लमगड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने विधानसभा चुनाव के बाद जागेश्वर क्षेत्र की लगातार की जा रही उपेक्षा के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर अपना रोष जताया है।